नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हरियाणा चल में। दोस्तों अभी खटखट टोल पर है, यहां पर पुतला फूंका गया और हमारे साथ किसान है, इनसे बात करेंगे किसका पुतला फूंका है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। प्रधान जी किसका पुतला फूंका? आपके चैनल के बाद आपके दर्शकों को भी मेरा राम राम। ये था जी जेपी कृषि दलाल का जो अवैध बयान दिए थे किसानों के बारे में, जो वहाँ किसान शहीद हुए हैं दिल्ली में, तो उनके बारे में बोला इनके तो गुजरना है था या नहीं तो कर गुजरना, प्राण तो किसी के पूरे होते किसी जगह होते। देश का जवान जब सीमा पर गुजरता तो उसके यही बोलते कि ये मरना तो था ही, मतलब कि जो किसानों की शहादत हुई है उस पर जेपी दलाल ने मजाक किया है। मजाक किया है जी। तो उसके बारे में आप उसको किस तरह जवाब देंगे? बहुत अनिंदनीय है, मतलब बिना प्रेम भाव की बात की है जो शोभनीय नहीं, इससे ऐसा लगता है उसको कोई तकलीफ नहीं है। पशु के बारे में नहीं कहना चाहिए, ये निशान है अपना के लिए बैठे किसान है जो पूरे देश का पेट भरते हैं, उसके बारे में ऐसा बयान करना ना समझी है और ऐसे पद के योग्य नहीं होता ऐसा व्यक्ति। और प्रधान जी जिससे पहले जब विपक्ष पार्टी थी वो विपक्ष में थे तो किसानों की बात कर रही कि कमर तोड़ महंगाई ले आदि, किसान मजदूर को मारने वाली सरकार है, तो आज खुद सरकार में है और कृषि मंत्री है, तो आज किसान आप देख रहे हैं किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, तो किसानों की तरफ आज क्यों नहीं देख रहे, आज क्यों नहीं किसान दिख रहे जब विपक्ष में थे, जब बातें किसान ही करते थे लेकिन आज नहीं कर रहे हैं। आपको बात याद दिलाता हूँ जी, गुजरात में जब मुख्यमंत्री था मोदी तो उस टाइम ये रैली निकाल रहे थे, जो कृषि मंत्री पहले हरियाणा का था ये थे सारे, जो जेपी बीजेपी सरकार थी वो कहती थी कि MSP 2014 में 2100 रुपये बताते थे और नंगे फिरते थे कि MSP 2100 रुपये है, जो कि आज 2021 में 1900 रुपये बता रहे हैं। ठीक है, तो विपक्ष में जो बातें करते वो तो लोगों को बहकाने वाली, धोखे में देने वाली, झांसे वाली बातें थी। अगर वो उस हिसाब से लगाए तो आज MSP 2750 रुपये है कणक का भाव, जो 1900 दे रहे हैं। तो हमको सब बातों का पता है, धोखा कितना होता जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। अब इस आंदोलन के कारण और भी जागरूक बातें आगे आती तो किसान और भी समझदार होता जाता रहा है। क्या ये राजनीति के लिए कर रहे थे? राजनीति के लिए, बिल्कुल राजनीति के लिए। इनको और प्रेम भाव की तो बात होती तो इसके बारे में ये ऐसा क्यों बोलते, ऐसे क्यों बोलते जैसे इन्हें बोला है लोगों के बारे में। किसी का बच्चा किसी के पास से गुजरता, माँ बाप को जो दिल्ली में बैठे उनके पास से गुजरते हैं तो उनको भी बहुत तकलीफ होती है, हमको भी बहुत तकलीफ होती है। सुना भी नहीं जाता, ये मजाक में ले रहा, जिस परिवार के 200 किसान शहीद हो जाएं और उनके बारे में ऐसा मजाक करो तो उनको तकलीफ नहीं, वो तो ऐसे ले रहे जैसे कपड़ा खराब हो गया वो। और जैसे आज 14 फरवरी और 14 फरवरी को पुलवामा हमला हुआ था जिसमें कि अपने 40 शहीद जवान शहीद हो गए थे, तो उसके बारे में मारे पर तो जी बात सहने को नहीं होती, इतना दुख हो रहा है जो शहीद हुए थे उनके बारे में। आज भी हमने नमन भी किया है, रात को मोमबत्ती भी जलाएंगे उनको, कैंडल मार्च निकालेंगे, कैंडल मार्च लगा के शांति के लिए, जो दिल्ली में भी शहीद हुए हमारे भाई जो पुलवामा में हुए थे 14 तारीख, उनके लिए हम कैंडल मार्च निकालेंगे और पूरे गाँव में हरे गाँव में मोमबत्ती जलाएंगे, धरना प्लाजे से भी मोमबत्तियाँ मिलेंगी सबको। जो आप कैंडल मार्च निकालोगे वो आप यहाँ निकालोगे या गांव, हर गांव में निकालोगे? हर गांव में निकालेंगे, हर गांव में, अपनी चौपाल से मंदिर तक, मंदिर से चौपाल तक, पूरे गांव में करांगे लोगों की शहादत के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।